बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टे होम स्टे सेफ। टुडे इज 21 मई 2020 एंड द डे इज थर्सडे। आज सबसे पहले मैं क्लास 7 को सोशल स्टडी की डायरी एक्सप्लेन करूंगी। आज की हमारी स्टडी की डायरी है चैप्टर नंबर 5, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। नाउ ओपन योर सोशल स्टडीज नोट्स। द लास्ट वन क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 5 इज, पाकिस्तान हैज मैनी टूरिस्ट स्पॉट्स ऑफ इंडस्ट्रियल हिस्टोरिकल कल्चरल इंटरेस्ट विजिट। पाकिस्तान की बहुत सारी जो है वो हिस्टोरिकल जगह हैं जहाँ पर सयाह जो है वो सैर करने के लिए आते हैं। बहुत सी तारीखी जगह हैं, बहुत सी सकाफती जगह हैं। आप उनमें से कुछ जगहों के नाम लिखें। द नेम ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेज वेयर पीपल लाइक टू विजिट आर, जो हिस्टोरिकल प्लेसेज है पाकिस्तान की, जो तारीखी जगह हैं पाकिस्तान की जहाँ पर लोग विजिट करते हैं, उनमें से 3 जो हैं वो ये हैं, फैसल मॉस्क, बादशाही मॉस्क, दाता दरबार। हियर द स्टडी डायरी इज कम्प्लीटेड। अब मैं आपको इंग्लिश वीक की डायरी एक्सप्लेन करूंगी। आज की हमारी इंग्लिश वीक की डायरी है एक्टिव पैसिव। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में जो आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, एक्टिव पैसिव के अंदर आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज हो जाती है। आपके हेल्पिंग वर्ब डू या डज, इज एम आर में चेंज हो जाते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला जाता है। ये आपके कुछ हैं, आई हमेशा मी में चेंज हो जाता है, यू यू में ही रहता है, शी हर में चेंज हो जाता है, ही हिम में, दे देम में और वी अस में। अब मैं आपको नोट से एक्सप्लेन करूंगी प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को, एक्टिव पैसिव को किस तरीके से चेंज करना है। एक्टिव पैसिव में आपको मैं बता चुकी हूँ कि फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ करनी है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को और हेल्पिंग वर्ब को किस तरीके से चेंज करना है। अब फर्स्ट वन है एक्टिव आपका, आई राइट अ लेटर। अब आपने इसको पैसिव में कैसे चेंज करना है, अ लेटर इज रिटन बाय मी। आई चेंज हो गया आपका मीम है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ गया, मतलब कि लेटर राइट की जगह आ गया और राइट लेटर की जगह। सेकेंड वन एक्टिव पैसिव, एक्टिव है आपका ही डज नॉट हेल्प द पुअर एंड द पैसिव इज द पुअर इज नॉट हेल्प्ड बाय हिम। थर्ड वन डज द पियन रिंग द बेल एंड द पैसिव इज द बेल रंग बाय द पियन। अब मैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एक्सप्लेन करूंगी। इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी चेंज हो जाएगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में, इज एम आर आपके इज एम आर में ही रहेंगे और आई एन जी आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर यूज होता है वो भी इज एम आर आपका इज एम आर में ही रहेगा और आई एन जी आपका बींग में चेंज हो जाएगा। अब ये भी मैं आपको कैसे आपने चेंज करना है आपको नोट से एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट वन एक्टिव है, अली इज ईटिंग द राइस। पैसिव, द राइस इज बींग ईटन बाय अली। मीन किस, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ गया और जो आपका आई एन जी है वो बींग में चेंज हो गया और जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी वो आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज होगी। दे आर नॉट प्लेइंग द मैच और इसका पैसिव है, द मैच इज नॉट बींग प्लेड बाय देम। नेक्स्ट वन एक्टिव है, इज सानिया रीडिंग अ बुक। पैसिव है इसका, इज अ बुक बींग रेड बाय सानिया। हेयर द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज कम्प्लीटेड। अब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सप्लेन करूंगी। इसमें आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है वो थर्ड में ही रहेगी और इसमें आपके हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है, ये चेंज हो जाएगी हैज बीन और हैव बीन में। बाकी सेम प्रोसेस है आपका, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज हो जाएगी। अब मैं आपको नोट से एक्सप्लेन करूंगी। दे हैव वन द मैच, पैसिव है इसका, द मैच हैज बीन वन बाय देम। शी हैज नॉट रेड अ बुक, A book has not been read by her. Has she bought a dress? Has the dress been bought by her? All the lectures are completed. I hope you will understood the lesson and learn it with great interest.